चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर आया हूँ उदयपुर के ग्रामीण तहसील बड़गांव में लेकर आया हूँ, जहाँ बड़गांव की गौरी का आप नृत्यों का आनंद देखेंगे। और बिना देर किए हम गौरी में चलेंगे, देखेंगे कि गौरी में किस प्रकार से गौरी का किरदार जो है वो देखा जाएगा। हर एक गौरी का नए नए अंदाज में मैं आपको कुछ न कुछ नया बताता ही रहता हूँ। और इस बार गौरी आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गौरी गौरी नहीं है, गौरी के माध्यम से हम लोक परंपरा, लोक प्रचलन, व्यवहार, बोली चाली, व्यवहार और जिस प्रकार से सवा महीने का संघर्ष करके आदिवासी परिवार, जनजाति परिवार जो है कैसे जो है तपस्या करता है, और हम सभी मानव जाति के लिए ईश्वर से कामना करता है और कि हर इंसान में सद्बुद्धि बनी रहे और सुख शांति बनी रहे, एक दूसरे की मित्रता बनी रहे, गौरी का यही माध्यम होता है। प्रकृति और संस्कार को बचाने के लिए गौरी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए दोस्तों, तो हम चलते हैं बिना देर किए गौरी के अंदर, जहां एक से बढ़कर एक कलाकार से हम मिलेंगे, ग्रामवासियों के हम विचार जानेंगे, गौरी क्या कुछ कहती है। आज जिस प्रकार से हम देखें कि हमारे संस्कारों का पतन होता जा रहा है, हम अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे में गौरी कितना बड़ा किरदार निभा सकती है, इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हम गौरी नृत्यों में चलने वाले हैं, जहाँ गौरी के खिलाड़ी क्या कुछ कह रहे हैं, ये नर्तक क्या कहना चाहते हैं, इनके बोल क्या कहना चाहते हैं, माता बहनें क्या कहना चाहती है, बच्चे क्या कहना चाहते हैं, यानी हम एक ही मंच के ऊपर आज बहुत सारी बातें और कई ऐसे सवाल हम आपके बीच में लेकर आए हैं। आखिर गौरी के अंदर महिलाएँ क्यों नहीं होती है और पुरुष ही क्यों महिला बनता है, और बिना किसी शर्म किसी लज्जा के किस प्रकार से आदिवासी भील समुदाय जो है अपना गौरी का मंचन करता है, नाट्य प्रस्तुत करता है, आदिवासी जनजाति परंपराओं का किस प्रकार से यहाँ सर्वांगीण विकास हो रहा है, गांव की भागीदारी क्या होती है, कौन भागीदारी निभाता है, किस प्रकार से भोज्य कार्यक्रम आयोजित होता है, गौरी समापन में कौन पेरावणी करता है, गौरी क्या है, गौरी शिव और पार्वती का प्रतीक है, गौरी किस प्रकार से लोक व्यवहार, लोक प्रचलन, लोक संस्कृति बनी हुई है, गौरी के कुछ ऐसे पल है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। हम सब इस गौरी के ऊपर चले, बिल्कुल उत्सव जैसा माहौल है और इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं सभी ग्रामवासी और सभी गौरी वाले, हमारे गमिति समाज के सभी लोग बाग। एक महीना होने आ गया है, 4-5 दिन और बचे हैं, 25 तारीख और 26 तारीख गुलाल वलाल का प्रोग्राम होगा, शांतिपूर्ण बढ़िया, मतलब भगवान का नाम लेके सब काम, गुर्जा माँ की पूजा करते हुए सब आनंद मंगल से चिंतन करेंगे, सबसे पूछेंगे, यानी गौरी का ये प्रसंग आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है हमारे लिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए उदयपुर मेवाड़ की ये प्रसिद्ध बड़गांव की गौरी, बड़गांव तहसील के ग्राम पंचायत बड़गांव की ये गौरी है, जिस गौरी का हम आज देखने वाले हैं, और इस गौरी में आप एक सनातन संस्कृति की एक ऐसी तस्वीर देखेंगे जो आपको लोटपोट कर देगी, आपको वास्तव में अभिभूत कर देगी, जिस दृश्य को देखने के बाद आप भी चाहना रखेंगे कि गौरी का मंचन हमारे यहाँ पे भी हो और हमारे यहाँ पे भी लोक संस्कृति, लोक व्यवहार, लोक परंपरा जीवित रहे। इसके लिए आप लोगों को भी पहल करने के लिए ये प्रेरणादायक संदेश आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आइए सब मिलकर इस गौरी को हम कैसे किस प्रकार से देखें और गौरी के शब्दों पर हम समझें, समाज के और अन्य समाज सर्व समाज के लोगों से हम मिलेंगे, गौरी का हम ये सुंदर प्रसंग आप सभी के बीच में हम साझा करने वाले हैं। तो बिना देर किए बड़गांव की इस गौरी का नृत्य देखें, जहाँ डाकुओं का किरदार, राणा का किरदार, पुंजा का किरदार और तमाम ये खेल जितने भी धार्मिक है, गाडुलियों का किरदार, सेठ जी का किरदार, कई किरदारों से हम परिचित होने वाले हैं, पंच सरपंच सबसे मिलने वाले हैं, हम सेवा भावी और सनातन संस्कृति के लोगों से भी मिलने वाले हर व्यक्ति से आज हम बातचीत करेंगे। तो बने रहे चैनल के साथ और देखते रहें ये खूबसूरत गौरी के पल। करते हैं, इंद्र देवता ने थोड़ी चार चांद लगा दी हैं, अच्छा है बरसात के बाद और हम अच्छा देखे राजकीय सेटेलाइट एजुकेशन लेके सामने ही और स्कूल के पास में ही बीच चौराहे पर ये गौरी खेल रही है। सभी जयकारों के साथ बारिश में लोग क्या था, हाँ बारिश है साहब, बारिश आनी चाहिए, तो बारिश में भी आप देखें कि गौरी का उत्साह कहीं भी कम नहीं है और जैसे ही बंद होगी और फिर एक बार नृत्य है जो है शुरू हो जाएगा, सब बिल्कुल दीवार के चिपके, जहाँ जगह मिली है वहाँ अपने आप को हिफाजत कर लिया है। अब देखिए कि लोक संस्कृति और लोक परंपराओं का इस प्रसंग को देखने के लिए कितनी बड़ी संख्या में सब लोग यहाँ पर मौजूद है,
बरसात बरस रही है और कुछ ही देर में बरसात जो है बंद हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जगह जगह जहाँ जगह मिली है वहाँ माता बहनें बैठ गई है, ऐसी बरसात आई है कि वास्तव में पूरी गौरी को ही एक बार बंद करना पड़ा, ये स्थिति हो गई है। ओहो गोविंद जी गोविंद जी, जय माता जी जय माता जी। तो क्या हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। हाँ बारिश भी बहुत हो रही है। हाँ बारिश भी हो रही है और प्रोग्राम भी अच्छा हो रहा है, घुमा आ गया है और लोग है में। बहुत सारे लोग हैं। हाँ बहुत सारे हैं, बाणा खेलिया, एकलंगपुरा खेलिया और डांगियार गड़े मदार खेरवाड़ा। हाँ और मैं बढ़िया लग रही हो, खेलों को बढ़िया लग रही हो। हाँ हाँ 6 साल बाद भी आए, बहुत अच्छी बात है। हाँ बहुत अच्छा है और बारिश भी बहुत आ रही, गवरी खेलने निकली तो बारिश बहुत आ रही है, पब्लिक बहुत आई है, बहुत भगवान का मेला हो रहा है, बहुत अच्छा। हाँ 6 साल वो गवरी लीजिए और बहुत अच्छी बात है, बड़गाम में बहुत पब्लिक भीड़ भी लगी है और पब्लिक कई बिल्कुल दोमत में आई है, फुल भरका फुल भर रही है, व्यवस्था भी अच्छी हुई, यह बात नहीं कि नहीं व्यवस्था, व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है, रकम पर की है, गरम मामा की है, थूर गई है, मंदार की है, पालड़ी की है, डांगिया रगड़े की है, बहुत अच्छी बात हुई है, परंपरा खुशी है, सब लोग बहुत अच्छी बात हुई रही है और बहुत अच्छी खुशी की बात है और हमारे घर का बीजा सब बातों सब आनंद है बात सब बातों बहुत अच्छी बात है, जहाँ बिल हूँ और बहुत अच्छी बात है और सब बातों मिले नमा सब माता जी सब मिले गौरिया माता रहो और मंडल पूरा फुल चाल जो है बहुत है, घर का फैमिली दूध सब बातों माना सब बातों आनंद माँ जो भिल समाज में हूँ मैं और मेरा नाम दुर्गा शंकर भिल है और बड़गांव में यह घवरी 6 साल वापस ली थी है और हमारा सब समाज बड़ा मिल या घवरी लेवाई है और मैंने माने भिल समाज को खास योगदान यो है, सब एक साथ एक झूठ में घवरी खेले है और यो खेड़ा माता रा आदेश वेवे बटू या घवरी स्टार्ट वेवे मामा देव जीरो भी आदेश वेवे और माने 5 देवरा है बड़ा बड़ा धर्मगर रो है, आशापुरा माता जीरो है, खेड़ा देवी रो है, 4 पुजारी जीरो है, आना 4 ही मंदिर या घवरी ते वे और बड़ा बाग गोरके माता रो पवन पड़े और गोरके माता पधारे बड़ा बाद या घवरी स्टार्ट हुए गए और माँ सब मिल भई हरी चीज रो सब क्या कर दा बड़ा और लेडीज कपड़ा भी पहना और बंजारा रो खेल और बनारा बंजारा में हाड़ा जीरो खेल भी देवा और ब्यावड़ो भी देवा देवी अम्बावरो भी देवे और माने भिल समाज रो जो यो घवरी रो इतिहास रो यो खेल है वो सब समाज आने घवरी ने पसंद करे है, सब समाज आगे पर में कोई ऊंच नीच नहीं भेदभाव नहीं और सब समाज मिल नहीं हो खुशी रो पावन मनावे, माने बहुत खुशी की बात है कि यह सब लोग माने घवरी ने देखे और माने लोगों ने खेल में पसंद इंटरेस्टिंग डाके मणि वास्ते बढ़िया मतलब या घवरी में आने वजह खेला यानी अपने भारत महीने बारिश अच्छी वेवे और देवी देवता सब बनी धरती पे नीचे उतरे और बढ़िया बारिश वेवे बढ़िया फसल वेवे हवा पानी अच्छो मिले मंडे वास्ते मैं या घवरी खेला। या घवरी है तो सब माने परिवार वाला खेल रहा है तो माँ सब लोग देखवाने आया, महिला रो किरदार भी माने गाँव वाला लोग इस निभावे ठीक है ठीक है। 18 साल बाद भी हमारे गांव में 18 लोग देखवाने आया आगे के गए आने लिए बड़ी उपलब्धि है ठीक है।
ये माने गौरी नृत्य है, माने बैब समाज खेल रहा है। ये मैं बड़गांव से तुलसीराम कमेटी बोल रहा हूँ, भील समाज से, और ये हमारी पुरानी परंपरा है, इसको हमने जिंदा रख रखा है। और सवा महीना के अंदर हमारा नेम जो है, जो हम जमीन पर सोते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, इसका नेम हमने रख रखा है। और सुबह से हम शाम तक 5 बजे तक हम गौरी खेलते हैं, जैसे गजानंदी है, बमरिया है, काड़ू कीर है, रत्ना रईका है, और ब्यावड़ है, गोमा है, और वर्दू कांदरी है, और बंजारा है, लाका बंजारा है, लास्ट में हम नार निकालते हैं, वो खुला नार। अरे पहली मो छोटो धनीदान मो थोड़ा थोड़ा एटीटी खेलता, बाकी अबे जिस तरह मारी होशारी भी धटाकेड़ा, मो नटड़ी रो रोल की तो आज तक नोट नटड़ी रो रोल साली रो है मारे, और न करता आवान करता रहेगा, यह हमारी परंपरा चलती रहेगा। कुल मिले नटड़ी में तो वरत्रो खेल हुए, जैसे अल पर सड़नो उतरनो, यो मेला में बांधता नट जा वर्दू कांदरी निकाले, वर्णो नट रो वो व्रत बांधे बनी सब रस्सी पे चाल वालों काम करे। हाँ अच्छा, आज ये आप नटो खूब मिले होगा, आज भी नट है कटे नट, अबे नट नटरी जगह है बन बनारो, जो इतिहास है थोड़ो को है, जो माँ लेन हाथे है नहीं रहा, मतलब कुल मिले। हाँ नटरी इसमें सी गई है, नटी नटी नटा रहा हिसाब उठा ली रहा है, माँ मारे हिसाब में अभी मारती हो आइटम पाती आयो आइटम करी रहा माँ कुल नटारी, जा परंपरा है जा माँ लेन हैंडी रहा कुल मिले, अभी बड़ा नटा हमदनो पड़ी न कहीं करना पड़ी, भाई बनारी स्थिति बना रहा हो सुधार बना ही करना पड़ी हूँ कुल मिले। तो ये हाँ एक मिनट, गौरी नृत्य है और इसमें घूमा मीणा चोरी करने के लिए आते हैं, और ये उस समय की पद्धति को दर्शा रहे हैं, जिस जमाने में आप देखें कि चोर डाकू इस तरह की व्यवस्थाएं थी, पुलिस की चरमराई व्यवस्थाएं थी, ब्रिटिश काल था, और हमारा देश कई विभाजन से गुजरा है, कई समय हम गुलाम रहे हैं, और कई दबंगों ने हम पर राज भी किया है, राजा रजवाड़ों ने राज किया है, कई दबंग की व्यवस्थाओं के खिलाफ ये गबरी आज भी खेली जाती है, आदिवासियों का परंपरा जो है निरंतर निभा रहे हैं। तो देखिए गबरी नृत्य है और गबरी का जो है आयोजन ये हो रहा है, ये सामाजिक परिवेश को दर्शा रही है गौरी, आर्थिक दृश्य को दर्शा रही है। देखिए बारिश हो गई है, पानी चारों तरफ भरा हुआ है, दर्शक चारों तरफ हैं। કઈ બોલું ને ઘણી ગવરી ઘણી આવું લાગે, હું હાફેટ્યું ઠેઠ દેખવા આવ્યું ગવરી મેં કઈ કઈ ક્ષણ તો હસતા પડ્યા આવે, જો માણે હસી હસીને લોટપોટ વેચામાં, ને કઈ કઈ ક્ષણ હસા આવે મને લાગે રોવા, બસ રોવણો આવે માણે કઈ બઢિયા કરે માણે, ગવરી બઢિયા રમે, ગોમા પહેરો ખેલ કાઢે, ઓર સોપ બઢિયા, ઓર ગોમા આયરા વણી વણી બઢિયા ખેલે માણે ગવરી। હા હું યું કહી રહ્યું, મારા ઘરવાળા ગવરી નહીં દેખવા દે, હું સાને સાને દેખવા આવ્યું। आप गोबरी की लोक प्रचलन देखें, यहाँ पर ये एक बूढ़ी माँ है जिनकी उम्र देखो लगभग इतनी होगी, लेकिन देखो छाता लेकर इस गोबरी को देखने के लिए, शायद कानों से सुनाई भी नहीं दे रहा होगा, आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन गोबरी पर नज़र बनाए हुए हैं, यानी गोबरी के प्रति देखिए कितना उत्साह है, ये आप देख सकते हैं कि लोक संस्कृति और लोक परंपराओं में कितने अग्रणी हैं। और ये पूरी डाकुओं की फौज आ चुकी है, गोमा मीणा की ये पूरी फौज है जो लूटने के लिए आई है। आगे हाँ, अब क्या करोगे? चोरी वोरी करेंगे, लूट मार करनी है। यस, जम के करोगे? जम के करेंगे।
पहले वाले डाकू कहाँ रहते थे? पहले वाले कहाँ रहते थे? जंगलों में। हाँ बिल्कुल जंगलों में। अभी वाले डाकू? अभी वालों लमसम सिटी में आ गए हैं। गोमा मेला का खेल चल रहा है हमारे मेवाड़ में। जो गोमा मेला का खेल होता है, जो मतलब प्रसिद्ध गवरियों में होता, मतलब जो क्या करने आए ये गोमा मेला, ये गोमा मेला क्या मतलब जो जंगलों में रहते हैं और रहते रहते मतलब गांवों में आते हैं और चोरी करते हैं, मतलब जो क्या चोरी करेगा उसको वापस पकड़ लेगा और बेड़ों में जकड़ लेगा, फिर इसका मतलब जो संदेशा जाएगा इसके गांव, तो इनको भाई या माता सब मतलब इसको छुड़ाने के लिए आएंगे और इसको छुड़ाएंगे, फिर देवी देवताओं के यहाँ जाएगा चोरी करने के लिए ये क्या उसको उसके बाद झगड़ा होगा और ये गोमा मेणा अंत में मारा जाएगा। अगले जमाने में जो लोग चोरी करते थे, लूटपाट करते थे, इसी आधार पे मतलब ये इसका मतलब ये खेल मतलब आराम किया है, तो इसको गोमा मेणा कहते हैं। और उसके बाद क्या ये लूटपाट मतलब गांवों से लूटपाट करते करते मतलब ये मतलब शहरों में आते हैं, मतलब यूँ ये खेल इसीलिए बताते हैं जो मतलब पहले वाले डाकू और अभी वाले डाकू में क्या फ़र्क है। क्या अभी वाले क्या डाकू करते हैं और बाद में वो पहले वाले डाकू चोरी करते हैं गांवों से आते हैं और अभी वाले डाकू शहरों से आ रहे हैं। क्या कोई क्या क्या बता रहे हैं, कोई चाकू बता रहे हैं, कोई क्या क्या बता के चोरी करते हैं और ये पहले वाले डाकू और अभी में फ़र्क है। यूँ भाई अभी वाले डाकू क्या शहरों में आ गए हैं और सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और जनता को लूटते हैं और क्या मतलब प्रसन्न को भी मैं मतलब यूँ पहला भ्रष्टाचार फैलाने का नया तरीका ढूंढ रहे हैं, मतलब यूँ क्या यूँ अभी वाले डाकू और पहले वाले डाकू में बहुत फ़र्क है। और अभी वाले डाकू तो ये सफ़ेद पोशे पहनने वाले सब डाकू है और हर तरह का डाकू है, और पहले वाले डाकू और अभी वाले डाकू में बहुत फ़र्क है। क्या तो आप देख पा रहे किस प्रकार से गौरी नृत्य का आनंद, और हमारे भगवान जी ने जैसा बताया कि आदिवासी संस्कृति और आदिवासी परंपराओं को लगातार निभाया जा रहा है। आज भी आदिवासी समुदाय किस प्रकार से गौरी नृत्य के माध्यम से जागरूकता फैला रहा है, कहीं पेड़ पौधे बचाने की बात करता है, कहीं मानव जाति को बचाने की बात करता है, कहीं हो रहे भ्रष्टाचार को बचाने की बात कर रहा है, अच्छे इंसान बनकर अच्छे इंसानियत पे कैसे चले। देखिए इनका 150 से 200 लोगों का समूह है और सब एक साथ मिलकर एक मंच पे रहते हैं। 40 दिनों तक हरा खाना नहीं खाना, एक साथ रहना, बिना 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 घर बार के जो है नहीं रहना, बिना घर बार के मंदिरों में सोना, इतनी कठिन परीक्षा से गुजरते हैं ये सभी। और ये कैसे कर लेते हो आप, बिना घर बार छोड़े घर बार छोड़ना पड़ता है सारा? भगवान अमित बोल लो। तो आप देखिए किस प्रकार से घर बार परिवार सब छोड़ कर त्याग कर जो है देते हैं, और इसी दृश्य को देखने के लिए जो है आदिवासी परिवार के इनके परिवार के लोग भी आते हैं और अन्य नगरवासी बड़ी संख्या में इसको देखना पसंद करते हैं। तो ये था दृश्य गोमा मीणा, और चलिए अगले दृश्य के लिए तैयार रहें। बड़गांव से सीधा दृश्य गौरी नृत्य, जहां गोमा मीणा लूटपाट करने के लिए गौरी में नृत्य के माध्यम से बता रहे हैं किस प्रकार से लूटपाट करेंगे, और लूटपाट को देखने के लिए दर्शकों की देखो भीड़ कितनी बड़ी संख्या में खड़ी है। खुद यहां युवा खड़े हुए हैं और इस दृश्य को देख रहे हैं। आज भी हमारे देश में किस प्रकार से चेनें लूट जाती है, आजकल नए डाकू हो गए, आजकल मोटरसाइकिल और कारों पर आते हैं और लूटपाट करके चले जाते हैं, उसी दृश्य को यहाँ गौरी के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से पहले व्यवस्था इस प्रकार थी, झुंड बना के रहते थे और यहाँ महिलाएं डोकरियों का भी किरदार बहुत ज़ोरदार है। तो देखिए डोकरी का किरदार निभाए, और ये गोमा मीणा की माता है जो लूटपाट में सबको बुला के लाई है और थानेदार पुलिस पर हमला करने के बाद गोमा मीणा को छुड़ाने का काम करना है, और ये सब गोमा मीणा के सब साथी है, भाई बंधु है, एक साथ हमला करते हैं, गांव में जाते हैं, धाबा बोलते हैं। और ये देखिए
खेल को देखने के लिए कितना बड़े संख्या में आज भी दर्शक इसको पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक हर पद्धति को किस प्रकार से यहाँ दर्शाया जाता है। और देखिए मैया बड़ी संख्या में यहाँ माताएं बैठी हुई है। कुछ क्षण तो ऐसे आते हैं जिसमें हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं सभी, लेकिन कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब हृदय में भावुकता जो है वो पैदा हो जाती। यानी हम देखें कि पहले ज़माने में जिस प्रकार से खाने के वांदे थे, रहने के वांदे थे, लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करके खाते थे, लेकिन आजकल पद्धति बदल चुकी है, आजकल संस्कृति बदल चुकी है। अब पहले वाले डाकुओं में अभी वाले डाकुओं में फ़र्क हो गया। आजकल के डाकू भ्रष्टाचारी हो गए, सफ़ेद कपड़े और खाकी कपड़े पहन के जो है भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन इसमें ये भी दृश्य है, अभी पुलिस वाले आएंगे और वो सारी चीज़ को क्लियर करेंगे ब्रिटिश शासन में किस प्रकार भ्रष्टाचार होता था, दबंगगिरी थी। तो देखिए ये लूटपाट के लिए आए हैं और वो बता रहे हैं, जानते सब है लेकिन खेल के माध्यम से बता रहे हैं और खेल के माध्यम से ये सब समझ पाते हैं हम। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है जी। लोक नृत्य गवरी एक लोक नृत्य है, ये एक प्राचीन परंपरा के अनुसार चलती है। गवरी एक गवरी सभी सामाजिक पहलुओं को सजा करती है। गवरी की एक अपनी जो है परंपरा, एक अलग ही परंपरा है जिसे आदिवासी समाज जो है बड़ी प्रमुखता की। ये छोटे छोटे जो बच्चे आप देख रहे हैं ये जन्म से ही सीख जाते हैं, जन्म से ही कलाकार होते हैं। ये देखिए इसने लड़का है और इसने जो है पूरा जो वेश है वो लड़कियों वाला पहन रखा है, तो इसी को देखने के लिए इनके घर वाले भी यहाँ आते हैं कि मेरा बच्चा कैसा लग रहा है। तो खेल खेल के माध्यम से बहुत कुछ जागृति का जो है संदेश जो है वो दिया जा रहा है। और हम देखें कि इनके जो बड़े हैं ये भी बड़े प्रसन्न होते हैं छोटे छोटे बच्चों का जब खेल होता है तो बड़े पसंद। कैसा लगता है जब छोटे बच्चे अच्छी कला का दिखाते हैं? अच्छा दिखाते हैं, सब गोमा भाई के भाई बंद है, ये माता पिता है और अभी ये चोरी करेगा और बड़ा बड़ा भाई आएगा। अभी इस गवरी में अगर हम देखें तो यहाँ पर दादा भी है, पोता भी है और पिता भी है, तीन तीन पीढ़ियाँ यहाँ मौजूद है। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पिताजी भी है? हाँ। दादाजी भी है? दादाजी भी है। और कहीं कहीं तो परदादा भी है? परदादा भी है। चार पीढ़ियाँ? हाँ, सारे मिलके बनते हैं यहाँ पे। ये दाता डालेगा तो हाँ के लिए भाई आएगा, ये सब पलाता है जो 100 महीने हम साथ में रहते हैं, इसमें हमारे कोई साथ में नहीं होता है। ये परिवार के साथ में रहता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मार्बल का काम करता हूँ पर गवरी होती है तब गवरी में हवा मिनट साथ में रहता हूँ, गवरी वालों को सब परिवार के साथ में। डोली समाज को आमंत्रण करते अच्छा लगता है, ये जन्म जात के अच्छे रहते और साथ में देवी रहती है इसके साथ, पूरा गांव साथ में लेकर चलते हैं और सवा मीना का रखा रहते हैं और कोई भेदभाव नहीं रहता है और पूरा गांव इकट्ठा होकर सब काम करते हैं। इनका आपसी संबंध में कितना मजबूत है, आप क्या देखते हैं? ये सब एक बन के रहते हैं सर, हर समाज को सीखना चाहिए। हाँ, ये सही है और हर समाज को सीखना चाहिए और ये हर समाज के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे गांव वाले सरपंच साहब ने सब गबरी रमाते हैं और अच्छा है। मैं शंभू शर्मा बड़गांव का ही हूँ और गवरी का नृत्य बहुत प्राचीन लोक नृत्य है, शिव पार्वती के महादेव के उपलक्ष में ये लोक नृत्य खेला जाता है, बहुत ही अति प्राचीन और ठीक है। गवरी नृत्य है जो पूरे सभी समाजों को जोड़ के रखती है और सामाजिक नृत्य है ये, और सामाजिक समरसता को बढ़ाती है और सभी सर्व समाज के लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अच्छा नृत्य है जो समाज में एकता कायम रखती है और भाईचारा बनाए रखने के लिए सबको प्रेरित करती है। ये जो 1.25 महीने तक ये जो 40 दिन के लिए गवरी का नृत्य खेलते हैं, इनको गोर्जिया माता की शक्ति, महादेव जी की शक्ति मिली हुई है और ये 40 ही दिन कोई हरी सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं और कठिन व्रत और तपस्या वाला ये जो लोक नृत्य है ये ही लोग कर सकते हैं और जूते चप्पल भी नहीं पहनते, घर पे भी नहीं जाते हैं 40 दिन तक ये
कठिन तपस्या करते हैं और ये इस प्रकार का जो लोक नृत्य है ये सभी समाज को जोड़ने वाला है और ये धर्म के लिए बहुत ही अच्छा प्रेरित करने वाला लोक नृत्य है। गौरी के इस नृत्य में संस्कृति और प्रकृति दोनों को बचाने का मतलब दृश्य बताया है इन्होंने और विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा सभी प्रकार के खेल बन के निकाल के माता जी का खेल है, गोमे का खेल है, ये सब बड़ले का खेल है और प्रकृति प्रेमी होता है और इस प्रकार से आज इस खेल से सारा जीवंत दृश्य देखने को मिलता है। बोल गौर क्या मई की जय। तो लोक परंपराओं का सबसे बड़ा प्रसंग है, शर्मा जी ने बताया कि प्रकृति को, संस्कृति और प्रकृति दोनों को बचाने के लिए एक बड़ी भागीदारी इसमें होती है और गौरी नृत्य को देखने के लिए देखिए जनप्रतिनिधि क्या, डॉक्टर्स क्या, सब इसको देखना पसंद करते हैं क्योंकि ये लोक संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ी। और गोमा मीणा चोरी करने आते हैं और चोरी के दौरान देखिए जगह जगह पूरी फौज यहाँ पर तैनात कर दी गई है ताकि गोमा मीणा कुछ ले जाकर भाग ना सके, गाँव में नाकाबंदी कर दी गई। क्या करेंगे आप, वो काम क्या है? अभी वो भागेगा तो पकड़ना पड़ेगा उनको, चोरी चोरी करके भागेगा इसलिए। और आज के डाकू जो सफेद सफेद कपड़े पे उनको कौन पकड़ेगा? सफेद पहले वाले डाकू कहाँ रहते थे और आज वाले डाकू कहाँ रहते हैं? बार वाला थोड़ा बताएं, खुल के बताएं, पहले वाले डाकू जमीनों पर रहते थे। हाँ जमीनों पर, अभी वाले घरों से ही चोरी करते हैं अभी वाले डाकू तो सारे ऑनलाइन करते हैं ऑनलाइन। तो आप देखिए कि किस प्रकार से दोनों डाकू पहुंच चुके हैं और सरपंच साहब के साथ में चोरी कर रहे हैं। तो पहले वाले डाकू जो है जंगलों में रहते थे और अभी वाले डाकू देखो आप इनके हाव भाव देखो कितने ज़बरदस्त। हाँ हाँ, तो डाकू बहुत कुछ कहना चाहता है। तो सरपंच साहब डाकू आए थे अभी देखा मैंने, ये गोमा का खेल है, गोमा गोमा भाई का, तो बड़गांव की, गुड़गांव की गौरी क्या, पूरे उदयपुर की, हाँ पूरे उदयपुर के नंबर, ये चोरी कर रहे हैं अभी, अब ये चोरी करेंगे अभी, फिर हाँ अभी ये अभी ये पकड़े जाएंगे, फिर इनकी पूरी पूरी सेना, आज के डाकू तो आप सब जान रहे अपन, तो ये अभी इनके अभी इसके पूरे परिवार वाले इनको छुड़ाने आएंगे, अभी अभी कितने अब इनको पकड़ लेंगे, इनके सब टोटल भाई चारों तरफ से आएंगे। आज वालों की स्थिति क्या है? आज वालों की तो सब जाने, आज वाले में नो कमेंट्स। आप बताए गौरी का गोमा का अच्छा खेल है, बहुत सारे लोग किस नज़र से देख रहे हैं, ये है? नज़र से करती हम किस नज़र से देखें? नज़र से अच्छी नज़र की तरीके से देख रहे हैं। हाँ, क्या कभी की तरीके से देख रहे हैं? संस्कृति से नृत्य की तरह से देख रहे हैं, अच्छा खेल है ये। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यह गौरी नृत्य का आयोजन है और बड़े ध्यान से देखते तो हम गौरी के हर एक पहलू को ध्यान से देखें तो यहाँ वो दृश्य आपको देखने मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे जिससे हम जाने और अनजाने। बोलो सबसे पहले तो गोरख्या माई की जय। और सवा महीने का इनके गौरी का रहता है, सवा महीने के अंदर इनको बिल्कुल भी हरे पे सोना हरा हरी चीज़ धनिया मिर्ची वगैरह कुछ भी खानी करनी ये इनकी नहीं आती काम, और नंगे पैर चलना पड़ता है, पूरे 45 दिन का होता है ये, अंतिम दिन गड़ावन होता है, फिर उसके अगले दिन बड़ावन होता है, उसमें ये सब ठीक है। लेकिन आप ये बताइए गौरी कहना क्या चाह रही है? गौरी ये है पुरानी परंपरा है और गांव की जो परंपरा है या आदिवासी भाइयों की जो परंपरा है उससे चली आ रही है गौरी, इसलिए गौरी लोगों को देखने का शौक है। कल भी रात को यहाँ पर गौरी का प्रोग्राम रखा गया है, नाइट गौरी। अभी ये खेल गोमा मीणा, क्या करते हैं ये गोमा है और इधर सामने ये दादी माँ आई है, अभी गोमा आवाज़ लगा रहा दादी माँ को और अब दादी माँ के बाद इसके गोमा के भाई आएंगे मीणा, वो सारे तैयार हो रहे हैं सामने, ये एक दूसरे के सामने आगे पीछे खेलेंगे। गोमा आए, इन्होंने अभी लूटपाट कर ली, गोमा भाई ने अभी अभी ढोलक मादल वगैरह लूटपाट की है, गोमा निकल चुका है। ये तो वो प्राचीन बातें हैं जो लूटपाट कर रहे हैं, आज के डाकू कहाँ? आज के डाकू तो चुपचाप चोरी करते हैं और निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं लगता है, ना तो CCTV कैमरा में आते हैं, मुँह पे कपड़ा ढके हुए आते हैं। अब ये आवाज़ लगा दादी माँ आई है, दादी माँ अपने बेटों के साथ आई है और कुछ बेटे छोड़ के आई है पीछे, वो अभी आने वाले हैं सामने, आपके सामने बिल्कुल लाइव प्रस्तुत है।
बहुत बहुत धन्यवाद रियाज जी, आपने बहुत ही शानदार बात बताई और गौरी नृत्य का आनंद ले रहे हैं। और ये मैया हमारे बीच में बैठी, इनसे पूछते हैं क्या देख रहे हो आप? लगी लगी रहो बोलो, बढ़िया लगी रहो? हाँ बढ़िया लाग जन, आनंद ले रहा भाई गौरी रो। हाँ बढ़िया, कई देखियो सब देख, गोमा देखी, गोमा रो आई रो कई नहीं आल तो चोरिया, हाँ चोरिया करी पकड़ी। ये सब पहला चोर है? हाँ पहला रा चोर है, हमारा चोर नहीं, अब ये दादा बा रमता जो घूमो। हाँ देखिए कि एक सारे बंदूकों के साथ पूरी फौज बोल चुकी है अलग अलग जगह से। चारों तरफ से देखिए डाकुओं का हमला हो चुका है। अपने ठीक है, तो डाकुओं की फौज गोमा मीणा के ये सारा परिवार हमला करने के लिए तैयार है, दुश्मनों को चुन चुन के मारेंगे। ये देखिए देखो छोटे छोटे बच्चे, देखो अभी से तैयार, ये देखो छोटा चोर मेरा, देखो तो इतनी देर पहले हंसी मजाक चल रहा था लेकिन अब भावुकता में हो गया है क्योंकि बहुत सारे चोरों का यहाँ आगमन हो गया है। गौरी लोक संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण है, हमें गौरी को समझना पड़ेगा। इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं कई समाज के, भील समाज के जो लोग हैं वो लगातार इसमें रिसर्च कर रहे हैं और गौरी को राष्ट्र नहीं विश्व लेवल पे खेला जाता है। और आज भी गौरी अपनी छाप छोड़ रही है अनोखी। आगमन होता है और देवी शक्तियाँ जो है उत्पन्न हो जाती है, जिन जिन में देवी शक्तियाँ है वो अचानक से ही गंभीर हो जाते हैं। तलवारें लहराते हुए देखिए पूरी इस खेल के बड़े ही मज़ेदार पक्ष है, इसीलिए लोग इसको देखना पसंद करते हैं क्योंकि इनका अलग अलग किरदार होता है, सब अलग अलग इनकी भागीदारी जो है वो होती है। इतनी बड़ी संख्या में देखिए गौरी का खेल आता है उस समय हम भी पहुंच में आ जाते हैं और अच्छी तरह से देखने का जोश बढ़ता है, पहुंच में आ जाते हैं और कभी कभी भावुक में भी हो जाते हैं। इतने वर्षों बाद ही गौरी ने अपनी पकड़ बना के और अच्छा खेल खेल रहे हैं, कलाकार भावुक होकर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम भी आज बड़े शौक से देख रहे हैं और कई सालों बाद आनंद ले रहे हैं। तो है ही, मेवाड़ की पारंपरिक गौरी का नृत्य तो ये तो गौरजा माता की सवारी है ना, साक्षात गौरजा माता आती है तो सबको अनुभव होता ही है इस चीज़ का। और गौरी तो पारंपरिक है, जो समझने वाला समझ सकता है गौरजा माता की है, वो बच्चे का कोई नृत्य नहीं है, ये तो गौरजा माता साक्षात मेहमान होती है,
तभी ये लोग सवा महीना गौरी कर सकते हैं। हम भी प्रताप नगर से यहाँ बड़गांव देखने आए हैं। हमारी सहेली है तो उन्होंने ब्राह्मण समाज है बड़गांव के, तो उन्होंने गौरी नृत्य करवाया है तो हमको इनविटेशन भेजा था। हमने सोचा गोर्जा माता की है तो हम क्यों नहीं जाए, तो हम भी तीनों फ्रेंड्स गौरी देखने आए हैं। तो आप देखिए इनकी पोशाक देखिए, इनकी वेशभूषा, इनका बोल चाल, इनका आपसी समन्वय कितना ज़बरदस्त है, इसकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त करनी पड़ती है। और इस दृश्य को देखते हैं, जब दर्शक जब देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है। कैसा लगे यो गोमा मीणा सब देखता रहिए, गोमा मीणा लगे अपने समाज में कितनी बढ़िया है, अदर लोग देखना पसंद करेंगे। जब लिखे थे एकदम भावुक हो गया, एक घंटे आया सर, अरे भाई जो वारू आया। तो आप देखिए किस प्रकार से गौरी इज आप देख रहे हैं गोमा मीणा, जिसको की देवी शक्तियाँ इसका अंत करेगी। तो चोर डाकू लूटने जाएंगे और गोरखा माता के मंदिर में लूटपाट करेंगे तो देवी शक्तियाँ इनका जो है खात्मा कर देती है। चारों तरफ एक भावात्मक वातावरण बन गया है जिसको भी देखो, और यहाँ नीचे से जो है सभी की पुल बना दी है और पुल के नीचे से गोमा मीणा निकलेंगे, उसके बाद देवी शक्तियों के हाथों से जो है पराजित होना पड़ेगा। का अंत हुआ, देवी शक्तियों ने साधना कर दिया। आप देख पा रहे किस प्रकार से गोमा मीणा का अंत हो गया है। आदिवासी समाज के पारंपरिक नृत्य देखिए झनकार के साथ, वाह भाई वाह, रस्सी बम जोरदार। देवी शक्तियों ने क्योंकि मंदिर में लूटपाट करने गोमा मीणा आए थे और पकड़े गए जानकारी के अभाव में, यही दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि किस प्रकार से दुनिया को अच्छा रहना चाहिए, मंदिरों में या किसी भी धर्म को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम गोमा मीणा की तरह होता है, ये समझने की आवश्यकता है। क्या रहा इसमें तो देवी देवता को इसमें बुलाया जाता है, इनको किसी बात की कोई ठेस वेस नहीं लगती है। तो इनमें ये जब गोमा आता है उस टाइम लूट मार के लिए आता है, वो सबको देवी देवता को बुलाने के बाद फिर चोरी करता है, उसमें माता बाबा जी उनका सहयोग करते हैं। तो गोमा मीणा
खेल समाप्त हुआ, उसके बाद अब नया खेल शुरू होगा जिसका हम आनंद लेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ दर्शक अपना आनंद ले रहे हैं। सब एक तरह से भावात्मक हो गए हैं, सबका आप दृष्टि देखें तो लोगों की दृष्टियाँ बदलती रहती है, कभी वो हंस हंस के लोटपोट हो जाते हैं तो कभी वो गंभीर हो जाते हैं। ये बड़ा है, क्या लगा? हाँ आओ इधर। धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार गमाई जाती है। यह शिव पार्वती का खेल है, इधर सब लोग आमंत्रित होते हैं और ये खेलते हैं, बड़े आनंद का विषय है। और सबसे ज़्यादा प्राचीन, फिर आजकल के नवयुग, आजकल की चीज़ ही बता रहे हैं, बहुत अच्छा है। और भी अपने आप को रोक नहीं पाया हूँ और आनंद ही आनंद ले रहे हैं गौरी का। आज खेड़ा माता चौक में गौरी का नृत्य हो रहा है, 6 साल से गौरी ली गई है और यहाँ देखने के लिए लोग आनंद ले रहे हैं और बारिश भी आई है तो बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। और अभी गोमा का खेल आया था और ये गौरी में जो शिव पार्वती का खेल जो होता है वो देखने के लिए लोग, मेवाड़ी लोग हैं तो देखने के लिए बहुत ही आनंद आता। अच्छा, अच्छी गौरी बड़गांव की नाच रही है इसलिए लोग आनंद ले रहे हैं। वो कहे बहुत लोग तो मामी ना रे, मैं बहुत देख के बहुत खुश हुई, मेरे को अच्छी लगी, हाँ आनंद आया हमको। मेरा नाम निशा शर्मा है, मैं बड़गांव की जनप्रतिनिधि हूँ और गौरी हमारा लोक नृत्य है, हमारी संस्कृति है तो ये काफ़ी समय से चला आ रहा है और चलता रहेगा, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है और यहाँ लोग दूर दूर से देखने को आते हैं। इतनी बारिश होगी, इतनी भीड़ थी तो आपने देखा होगा, फिर भी कोई अपनी जगह छोड़ के नहीं गया। आखिर गौरी किन विषयों की बात कर रही है, आपको लगता है गौरी किन किन बातें कर रही है? धार्मिक, सामाजिक, भ्रष्टाचार, क्या किन किन मुद्दों की बात कर रही है? इसमें सारे मुद्दे आ गए, आप अगर ध्यान से देखो तो, जिसको समझ में आती है तो सारे मुद्दे और नहीं समझ में आती उसके लिए खेल है। तो चलिए अगले खेल की तरफ चलते हैं और अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक देखते रहें झीलों की नगरी, सभ्यता संस्कृति, मेवाड़ चैनल और गौरी का आनंद लेते रहें। मेवाड़ का प्रसिद्ध गौरी नृत्य का आप आनंद देख रहे हैं, जहाँ आज बड़गांव के तहसील की ये गौरी है और बड़गांव में ही आज ये गौरी नृत्य कर रही है। आपको बता दें कि गौरी के अलग अलग स्वरूप होते हैं, अलग अलग किरदार होते हैं, गौरी को समझने के लिए गौरी में कलाकार बनना पड़ता है, इसीलिए गौरी को न कोई समझ पाया है क्योंकि शिव का और पार्वती का ये प्रसंग है और इसको कोई समझ, लेकिन हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें पुरुष ही नारियों का किरदार निभाती है और ये आज से नहीं कलंतर से युगों युगों से ये पूरा प्रसंग चला आ रहा है और आज भी समाज इसको निभा रहा है। आइए हम चलते हैं, कुछ युवाओं से हम बात करते हैं कि आखिर ये गौरी क्या कहना चाहती है, आखिर ये बंजारा क्या कहना चाहता है, तो थोड़ा इन प्रश्नों को सकले गाए। आपने क्या किरदार निभाया और क्या कुछ होने वाला है? परंपरा का खेल है, बाप दादा जो करते आए, लाखा बंजारा का खेल बने हुए। आप क्या करने वाले हो? हम तो बालक को लेके जा रहे हैं घाटा के गोड़ में, ये मेरा खेल है वहाँ तक। बेरोलाल जी, क्या करते हो? मैं कारीगरी का काम करता हूँ, मकान बनाते। हाँ, ये संस्कृति को बनाने के लिए क्या करोगे? क्या खेल आपका रहेगा, कितनी रानियाँ हैं आपकी, क्या कुछ इसमें रहेगा, कैसे आपकी भिड़न होगी? ये तो लाखों बन जा रहे हैं जो भारत लेके जा रहे हैं, जो गिनर और घाटा में जा रहे हैं, कांडिया ने झगड़ो माजी हुए वहाँ से वहाँ तक समाप्त हो जाती है। अच्छा, हाँ। और किन किन लोगों से पाला पड़ेगा आपका, जिनसे आप मुकाबला करना पड़ेगा? रानियों को भी क्षति पहुँचाएंगे? ये तो माता रानी का अंबा माता का जो बोध है वो हम भर के लेके जाते हैं बालक को, तो बड़े ज़माना में जो बालक जाती नहीं तो वो रूप हम वो कर रहे हैं, जो गौरी माता है, जो गोरकिया माता के हिसाब से। तो आप देखिए, गौरी एक ऐसा संस्कृति है जिसमें पुरुष ही पुरुष होते हैं, नारियों का इसमें भाग नहीं। एक बात बताइए, आप कारीगर हैं और मैं जानता हूँ कारीगरों को घर की स्थिति कैसी होती है और उसमें 40 दिन बिना बच्चों के, बिना पत्नी के कैसे निकालें? ये तो महारानी का खेल है, मेरे पिताजी माँ बाप जो करते आए हुए ये हम भी निभा रहे हैं और हम इससे आशीर्वाद से हमारा घर चलता है, निभाते रहेंगे परंपरा में गांव से सब। क्या लगता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ ये तो हमें, मेरी माता रानी के हिसाब से हम कर रहे हैं, किसी के दबाव पे नहीं है।
आपको नहीं लगता कि मैं इस प्रकृति के योगदान में मैं परिवर्तन के लिए कर रहा हूँ? परिवर्तन तो अपने भाई लोगों का सब सहयोग है, तो इसलिए हम भी चल रहे हैं। इन्हों का है तो मेरे भी है, गाँव वालों का सहयोग। तो इसमें देखिए युवा ही युवतियों का जो है महिलाओं का किरदार निभा। आप अपना नाम कहिए। मेरा नाम तरुण है। कितनी पढ़ाई करते हो आप? मैं अभी ट्वेल्थ में। ट्वेल्थ में कर रहे हो? हाँ। तो इसमें नारी बनने में कोई शर्म या कोई हिचक तो नहीं आती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, माता जी का रूप है बस। अच्छा अच्छा। हाँ। क्या 12वीं में आप थोड़े विद्यार्थी हो, क्या सोचते हो गौरी को? कितना आपने बिल्कुल पास से देखा, क्या कहना चाहती गौरी? गौरी तो क्या कहना चाहती है, हमारे माता रानी का खेल है और हम निभा रहे हैं बस। बाप दादा निभाते हैं। हाँ, परंपरा है, ये चलती आ रही है और चल रही है। ये तो इतने लोग देखने आते हैं और इनके सामने हम नाच गाना करते हैं वगैरह, जो भी हमारी संस्कृति है। ये हमारे भील समाज की संस्कृति है और इसे हम पूरे मतलब गांव के सामने दिखाते हैं और नाच गाना करते हैं वगैरह नित्य। सवा महीने तक गौरी वगैरह खेलते हैं। और अच्छा, सवा महीने तक आप ये बताओ, अपने घर पे भी नहीं जाते हो, माता पिता सब अलग रहते, बीमार हो गए या कुछ हो गया तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, मंदिर में रहते हैं और घर पे नहीं जाते हैं और बस। क्या आप भी आ गए? आप दानी जी? हाँ, दानी जी। तो ये है दानी जी और हमारे बीच में थानी दानी जी थानेदार का किरदार निभा के आए हैं। आप वैसे क्या करते हो, क्या किरदार आपका रहेगा इसमें? मेरा दानी का किरदार है, मैं इनकी बालद को रोकता हूँ, यही मेरा काम होता है। दान देने के बाद ही मैं इनको जाने देता हूँ आगे। अच्छा, टैक्स टैक्स। हाँ, यही टैक्स लेना पड़ेगा, वही आगे जाएगा। हाँ, तो आप अंग्रेज के सिपाही हो? अंग्रेज जमाने के सिपाही। हाँ, अंग्रेज जमाने का सिपाही हूँ। अच्छा, रानियों को बचाना भी पड़ेगा उसके बदले? रानियों को नहीं बचा, वो रानियाँ उनके साथ ही है, वो तो रानियों के साथ डांस करके छोड़ते हैं फिर। काम क्या करते हो? मैं पर्सनल लाइफ में क्या? मैं पर्ची का काम करता हूँ। पर्ची का काम करता हूँ, मार्बल लगाने का काम। मार्बल का काम। तो यहाँ गवरी में क्या लगा रहे हो? हाँ, यहाँ तो सबके डंडे लगाता हूँ। हाँ, डंडे लगाता हूँ। बताएगा, चार चार लगा रहा हूँ तो डंडे भी लगाऊंगा। उसमें तो नहीं किसी से? नहीं, उसमें किसी से लगा देना। ठीक है। कैसा लगता है ये परिवार को छोड़कर ये सब करना? बहुत अच्छा लगता है। कितनी पढ़ाई की आपने? मैं नवीं तक पढ़ाई की। मेवाड़ की अगर बात करें तो यहाँ प्राचीन काल में भीलों का बड़ा इतिहास रहा है। हाँ, कितना जानते हो आप? मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। कुछ नहीं जानते? भीलोनाथ जी को नहीं जानते? उनको तो जानता हूँ। जयंती कब है? 9 अगस्त को। क्या है? 9 अगस्त को आ रही है। क्या कुछ तैयारी की है? कुछ तैयार नहीं की अभी तो। क्या उनकी भव्य स्मारक के लिए कोई मांग उठी है? मांग तो कुछ नहीं उठाई हमने तो। ये वो ठीक है, चौराहे पे ये तो है, बहुत जगह चल रही है। स्मारक बनने के लिए आपको क्या लगता है? स्मारक तो बने हुए ना। फांसी लगाने वाले कारीगर हो तो आपको तो नहीं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज, मैं कम जाता हूँ मार्केट में। ठीक। आदिवासी को संस्कार कैसे, जैसे कि ठेठ से चलता आ रहा है उसी तरह चलता रहेगा तो इनको भी उत्सव बढ़ता रहेगा और ये इसी तरह काम करते रहते हैं और इनको है सवा महीना, ये भगवान का रूप है और बेग में काम करते हैं और हम भी है जो इनकी आदर भावना करते हैं गांव वाले। ये पूरे जो गौरजिया माता है यहाँ पे जो व्यवस्था है इनके पूरे गांव में जो गवरी लेते हैं उसमें गांव की जो 36 कौम होती है वो 36 ही कौम इसमें व्यवस्था में रहती है और इन लोगों का पूरा मान सम्मान पूरा गांव देते हैं। पूरा गांव वाले मिलके पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर इनको जो पूरा खर्चा होता है वो निभाते हैं और ये सवा महीने तक इनका, और ये फिर सवा महीने तक जो गांव की बहन बेटियां हैं उन बहन बेटियों के गांव-गांव में नाचने के लिए जाते हैं, वहां अपना कल्चर प्रोग्राम पूरा दिखाते हैं और संस्कृति को जिंदा रखते हैं। मेरा देखो ये सोचना है इसके बारे में कि आज गांव में जैसे मान लो गांव की आबादी है मान लो 10 से 15 हज़ार, लेकिन उस आबादी में कौन किसका लड़का है, कौन किसका क्या लगता है और उसके उसके परिवार में जो आज जो गवरी नृत्य किया जा रहा है वो उसके परिवार में वो किरदार पहले कौन निभाता था, तो आज वो किरदार उनके परिवार में से कौन निभा रहा है इसकी हमें जानकारी इस पर्टिकुलर माध्यम से चलती है कि जैसे पहले हम जब छोटे थे
तब हम सुनते थे अंबाबाजी गोमा का किरदार बनते थे। तो आज उनके परिवार में से उनका उनका जो बेटा है या उनका जो पोता है आज वो उस किरदार को निभा रहा है। तो ये हमें ये पता लगा हाँ ये अंबाबाजी का लड़का है। तो इससे एक भाईचारे का हमें लगा हुआ और भाईचारे का नज़र आता है इसके अंदर। तो ऐसी चीज़ें हमेशा से हमेशा होती रही है और हम ये चाहते हैं कि आगे भी ये होती रहे जिससे हम एक दूसरे के साथ भाईचारा और बढ़ा सकें। सनातन संस्कृति के लिए इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती है। उस मान्यताओं के आधार पे जैसे आप इसको ऐसे समझें कि खाना बिना नमक के और जीवन बिना माता के संभव नहीं है, उसी तरह गौरी नृत्य बिना इस प्रेम के, बिना इस गांव की यूनिटी के ये संभव नहीं है। इसलिए इसको उस माध्यम से देखें तो ये एक परंपरा है और ये इसमें एक ऐसी आस्था जुड़ी हुई है जिस आस्था के साथ आज इतने लोग जुड़े हैं, आज पूरा गांव जुड़ा है गौरी के लिए। जैसे मान लो गांव में जो उगाई आती है उसके लिए किसी के भी मुँह से ना नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि आज अगर हम ना करेंगे तो गौरिया माता नाराज़ होगी। तो ना किसी के मुँह से नहीं निकलता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी हाँ में चलते हैं क्योंकि उनके अंदर इससे जुड़ी हुई एक आस्था है। तो आप देखिए कि ये पूरा औदिच्य समाज का ये पूरा भवन है और इसमें आज उसी पे आएगा। हेलो भेजो व्हाट्सएप पे। और किस प्रकार से देखिए सामाजिक संरचना और भोज पूरा तैयार हो रहा है। चलते हैं अंदर और देखिए पूरा भोजन तैयार हो रहा है, पूरी तैयार हो रही है। क्या क्या माल पानी क्या क्या बनाया? माल पानी यहाँ पर खाने में काजू कतली बनाई है, दूध के लड्डू और काजू कतली दो मिठाई बनाई है, सब्जी पूड़ी रोटी खिचड़ी एक सब्जी है, एक दाल है, ये कड़ी है। गांव के गौरी के लिए गांव वालों का कितना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये लोग हमारे घरवाली के एक तरह से गांव के लोग आए हुए हैं। तो उसके लिए हम ये हमारे बच्चों के मामा हुए, मामाओं को आज बहुत शानदार खाना खिलाएँगे और पूरी व्यवस्था की है और पूरे गांव के लोगों ने मिलके ये व्यवस्था की है। बहुत बढ़िया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज का कार्यक्रम। और मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को आपके मोबाइल पे जो आप कवर कर रहे हैं। हमारे साथ में ये करीब करीब 25 लोग आज हम गौरी का आयोजन कर रहे हैं, 25 लोग मिलकर कर रहे हैं। ये सारा कार्यक्रम सामूहिक है, ये हमारा सामूहिक कार्यक्रम है आज का। और हमारे एक महीने से हमारे ये हलवाई जी जो बैठे हैं ये सारी टीम इस नोरे में लगी हुई है और कंटिन्यू ये गौरी का खाना ये आज लगभग 1100-1200 लोगों का भोजन है, 3000 लोगों का भी बना हुआ है। ये अभी खाना भी बना था गणेश चतुर्थी पर, तो रेगुलर ये हलवाई जी का इतना अच्छा सपोर्ट सबको मिल रहा है और ये न्यूनतम चार्ज पे गौरी का सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, खाने का सारी व्यवस्था इनकी। जय माता जी की, और जय माता की, जय माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आज सभी को इस संस्कृति को बचाने के लिए। हमारे चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति की ओर से बधाई शुभकामनाएं। इसी प्रकार से अच्छा अच्छा काम करते रहें और मेवाड़ का नाम रोशन करते रहें। आइए सब मिलकर सामाजिक संरचना के साथ एकता के साथ इन नन्हे मुन्ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अच्छा कार्य सराहनीय कार्य करने का प्रयास करते हैं। आइए सब मिलकर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाएं और जिस प्रकार से ये आदिवासी भील समाज जिस प्रकार से हाँ योगदान देता है उस योगदान को हम और आगे ले जाएं। सब समाज देखिए कैसे या सभी समाज एक मंच पर एक जगह जाजम पर होकर सभी की एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रशंसाओं को और बनाएं और आगे ले जाएं और जो समाज में जो कमियां हैं जो सुविधाएं नहीं है सरकार से भी आग्रह करते हैं कि उनको पूरा करें और इस समाज को अपनी एक पहचान और एक मूल स्वरूप इनको प्रदान करें। सरकार कोई ग्रुप बनावे ऐसा, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यवस्था करेंगे जो आगे बढ़े ये भी आगे संस्कृति को जीवित रखना है। लोक संस्कृति और भील समुदाय द्वारा खेले जाने वाला गौरी नृत्य का पूरा आप देख रहे हैं दृश्य, जहां पर दाणी जी तैयार है, थानेदार तैयार है और आप देखें कि यहां हर प्रकार से अलग अलग किरदार जो है वो निभाया जाता है और विभिन्न विभिन्न वस्त्रों के साथ काले पीले मूक बनाकर और सभी रंग बिरंगे होकर जो है इस गौरी में आनंद लेने के लिए जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं गौरी नृत्य में, गौरी में क्या कुछ हो रहा है और नई क्योंकि बंजारा गौरी में पहुंच चुका है, देखते हैं क्या कुछ हो रहा है। हाँ
तो देखिए ये रोल था लाखा बंजारा का। कई क्या कुछ किया आपने इसमें? इसमें लाखा बंजारी बालत भरनी पड़े और घाटे बालत ओढ़नी पड़े और मीणों लड़े करनी पड़े गिणोरा घाटा में। हाँ 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 जोरदार मीणों हाँ गिणोरा घाटे हाँ सब ने प्रयास किया जी। काम काम तो कमठाना रो काम हाँ अभी निकालना पड़े 40 दिन तो निकालना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी लोक परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं और सब आपको बधाई शुभकामनाएं और ऐसे ही खेलते रहें। तो देखिए लोक परंपराओं का सबसे बड़ा ये पर्व है गौरी नृत्य, जिसको आज भी देखना पसंद करते हैं और बड़ी संख्या में माताएं बहनें देखिए पूरी गौरी देखने वाले आज देखी इन्होंने तो गौरी गौरी का जो ये नृत्य है वो बड़ा ही सुंदर है। अब बंजारे का नृत्य चल रही है, लाखा बंजारा चला गया है। गौरी का अपना अलग ही अंदाज होता है, देखिए किस प्रकार से इनका नृत्य और इनका समन्वय नाचने का, और ये पहले से ही लगातार प्रयास करते हैं। और मैदानी जी कौन बनेगा, इंस्पेक्टर कौन बनेगा, गप्परमल कौन बनेगा, चप्परमल कौन बनेगा, रानियां कौन बनेगी, नाचेंगे कैसेंगे, नृत्य कैसे करेंगे, तो ये वास्तव में ठीक है। और ये देखिए सब हमारे बैठे हुए हैं, देखो अपनों को ही अपने खेलते देखो कैसे हंस रहे हैं आराम से बैठे बैठे और सीख रहे हैं कि जब हमारा नंबर आएगा तो हम भी ऐसे खेलेंगे। हमारा भील समाज गौरी का नृत्य करते हैं और ये कार्यक्रम हम सवा महीना तक मतलब 40 दिन तक रखते हैं और नंगे पैर रहते हैं और न तो कोई हरी सब्जी खाते हैं न ही कोई मांस वगैरह कोई खाते हैं और घर पे भी मन नहीं जाते हैं, मतलब सवा महीना 40 दिन तक घर पे भी नहीं जाते हैं और मंदिर में सोते हैं और छोटे छोटे जो कट्टे के तरपाल होते हैं उससे सारे सोते हैं, बिस्तर इधर भी नहीं करते हैं और जैसे सूखे में सोते हैं और तरह तरह का नृत्य करते हैं। अभी बंजारा का खेल चल रहा है और उसके बाद वो दाणी आएगा और दाणी आ गया है और क्या का? उसके बाद अब दाणी का यह कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद मीणा आएगा और मीणा और बंजारा में युद्ध होगा, लड़ाई होगा और उसके बाद बंजारा मारा जाएगा। और इसी के साथ एक हमारा जो परंपरा से जो चलता आ रहा है जो एक खुला नार आएगा क्या, उसके बाद क्या है कि जो उससे क्या सब देवी देवता उसके शामिल रहेगा और वो नार के मतलब जो असवा करेगा उसके बाद जो गौरी समाप्त हो जाएगा। हाँ वो अतरे तेरे सब रो जान रख रही हूँ और जान रखता हूँ तेरे एक ही आदमी खड़े कि नहीं मुझे डमडोल नहीं दे आदमी और सबकी निगेदारी मैं करता हूँ। भंवरलाल जी नाम है, हम हमारा खेल खेलते हैं तो हमारा खेल का नाम है भील समाज। गौरी का खेल में एक गाड़ूलिया लोहार का खेल काटते हैं और एक वर्जू कांजरी का खेल निकालते हैं, यही हमारा खेल है और अनेक खेल हैं और भी हमारे खिलाड़ी हैं और हम सभी साथ मिलकर खेल खेलते हैं और लास्ट में बंजारा का निकाल के हम हमारा खेल समापन कर देते हैं। धन्यवाद। हम काम तो कारीगर ही रोकर मकान बनावा यो यो ठेठू परंपराओं चालतो आयो के सदियों ये 100-150 मनक वेगा सब ने मान सम्मान मिले, भोजन बनाई रहा सब तरीकारो, सुबह चावल पोया मिलता है और धाप के खाते हैं और सेगारी भी खाते हैं भोपाओं के लिए व्रत के लिए। ऐसा मैं हिंदू हूँ, हमारे जो हमारे सांस्कृतिक भील समाज को बढ़िया
सामाजिक संस्कृति मिलती है और सबको बढ़िया सम्मानित रखते हैं और हमारा कार्यक्रम करते हैं। मैं भील समाज रो व्यक्ति हूँ, मैंने घनी प्रसन्नता है। सब समाज रो माने प्रेम है, प्रेम मिले। धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। आज हमारे संस्कार में आप चार चांद लगा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। घवरी हमारा नहीं आ रहा, घवरी हमारा भील समाज के परंपरागत खेल है। तो अब देखिए, घवरी नृत्य खेल खेल के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहती है घवरी। नहीं नहीं, बराबर गौरी में देखता देखता हवा मीनो कटी निकली जा, निकल क्यों है, दो चार दिन और है। गौरी एक ऐसी परंपरा है अपने भील समाज ने एकट ने जोड़ रखी है। गौरी ऐसी एक परंपरा है जो हमारे भील समाज ने एक तरफ जोड़ी रखे है। मेरी खुशी है गौरी में लोग अतरा बेड़ा हुए, बहुत खुशी हुई ज़्यादा अतरा मतलब कभी बेड़ा वे भी नहीं है। ये सब मतलब माता सब अगेटा हुए। तो गौरी का अगला पहलू है, इनकी आपस में संवाद होगा, आपस में बातचीत होगी, गाने होंगे और अब डाकुओं का बंजारे से सीधा संवाद और मुलाकात होगी। ये देखिए बंजारे भी यहाँ कम नहीं है, युद्ध करने में सब माहिर है। जगह जगह युद्ध बड़ा घमासान होगा और पूरी टीम यहाँ मौजूद है ताकि ये सबका ध्यान रख पाए। इसमें व्यवस्थापक बड़ी ध्यान रखते हैं कहाँ किसको बिठाना है, क्योंकि ये अंतिम खेल है, उसके बाद कभी कभी एक खेल और करते हैं। आप देख पा रहे दृश्य किस प्रकार से है और अभी भी गौरी के दर्शक बने हुए हैं। हमने गौरी ली है पापित माता जी चौक में, बहुत आनंद आ रहा, जनता भी उमड़ पड़ी है और इस तरह से माता जी की मेहरबानी से और बढ़ रही जनता। और 25 तारीख को लास्ट विसर्जन किया जाएगा। ये मेरे गांव के युवा और बुज़ुर्ग और बच्चे सब लोगों ने देख के सबका आनंद आ गया और ये सब माधेश्वरी की असीम कृपा रही। इस एक साथ इतना रहना और एक साथ इकट्ठा होना कितनी उन्नति का काम है और ये भाग्य है हमारा आज बड़गांव का, जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। आप देख सकते हो ये माधेश्वरी की कृपा है कि ये लोग इतना कर रहे हैं, हर किसी के बस का काम नहीं, हर किसी के काम नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए गौरी को देखने के लिए यहाँ कितने दर्शक यहाँ पे मौजूद है और सारी व्यवस्थाएँ अच्छी की गई है, टेंट तंबू लगाए गए हैं और धीरे धीरे करके एक एक का यहाँ पे अंत होता जा रहा है और आखिरी जो है बड़जारे का अंत होगा, जिसको हम सभी अपने आंखों से हम देखने वाले हैं। कभी कभी देवी शक्तियाँ बहुत ही आक्रामक हो जाती, तब ये एक बड़ी दिक्कत हो जाती है जहाँ कोई अनहोनी ना हो, तो उसका ध्यान रखने के लिए बड़ी संख्या में युवा यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए किस प्रकार से हाथों में तलवार लहराते हुए
पूरे ये राणा हैं जिन्हें डाकू कहा जाता है, और पूरा अंत समय तक जो है बंजारा लड़ता रहेगा इनसे। बंजारे के हाथों डा जो है मीना मारा जाएगा। देखिए तीर कमान लेके आए हैं, बंजारे का तेज बहुत जबरदस्त है। पड़ता है तलवार किसी की लंबी जाए, हाथों का समन्वय में देखिए आप, हर चीज का ध्यान जो है रखना पड़ता है। तस्वीरें भावुकता वाली तस्वीरें हैं, सबको भाव भरे ऑप्शन हालत में कर देती। और ये बंजारे का अंत हुआ, बंजारों को आखिर डाकुओं ने घेर कर मार डाला है, और गबरी का अंत जो है बंजारे के साथ ये गबरी नृत्य संपन्न होता है। तो ये कहना चाहती है गबरी कि किस प्रकार से सत्य पर असत्य की जीत, असत्य पर सत्य की जीत। गबरी विभिन्न विभिन्न पहलू को दर्शाती है। गबरी अलग अलग अंदाज में, ये देखिए माता जी आ गई हैं, और माता जी शेर की सवारी के साथ, शेर आया है और शेर आया तो माता जी भी आने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से अलग अलग खेल लाए जाते हैं इसमें, अलग अलग प्रकार के गबरी नृत्यों से। देखिए शेर आ गया, माता जी का, माता जी का शेर सामने दिखाई दे रहा है, और दर्शकों का देखो यहाँ बड़ा तांता लगा हुआ है, और हर व्यक्ति यहाँ लोक संस्कृति और लोक परंपराओं को देखने के लिए लगातार जो है आ रहा है। बहुत बड़ा पकड़ बना रखी है, और मैं भी बहुत इस खेल में इंटरेस्ट रखता हूँ, और ये संस्कृति से जुड़ा हुआ अपने मेवाड़ की संस्कृति, और पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं, अपने मेवाड़ में ही एक है। गबरी को हम देखें तो कई इसके सामाजिक धार्मिक पहलू दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा सब समाज के हर चीज़ में जुड़ी हुई रहती है इसे। गबरी आपको क्या लगा, क्या कहना चाहती है गबरी इन दृश्य को उजागर, जैसे पेड़ बचाओ, वृक्ष बचाओ, झीले बचाओ, नदियाँ बचाओ, यहाँ तक मानव जाति को बचाओ, मानव जाति बचाने के लिए और धर्म बचाने के लिए सबसे बढ़िया है अपना गबरी के माध्यम में। अच्छा आपको किसी को कह दिया जाए 40 दिन के लिए घर छोड़ दो तो आप छोड़ेंगे? मैं छोड़ दूँ हाँ, लेकिन ये छोड़ दे सारे के सारे? हाँ मैं छोड़ दूँ 40 दिन के लिए गबरी के लिए। मैं बहुत शौकीन हूँ शुरू से, मैं आज मेरा ड्यूटी भी छोड़ के छुट्टी लेकर देखने आया हूँ। अच्छा आज भी कितनी गबरी हम देखना पसंद करते हो, जो गाँव की गबरी हो तो बात ही अलग है, क्या कहना चाहिए? सब जब हमारे गाँव में गबरी ली गई है 6 साल बाद, तो बहुत गाँव वालों में बहुत उत्साह का वो माहौल है कि गबरी एक सांस्कृतिक और लोक नृत्य है, और सभी इसमें सर्व समाजों का संपूर्ण ग्राम का सहयोग रहता है, और एक एकता का प्रतीक इसको कहा जाए तो भी कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि इसमें सर्व समाजों का समावेश होता है। अच्छा आपने कितने अच्छे खिलाड़ी को देखा, वो जाने आने वाले समय में अच्छे खिलाड़ी बनेंगे? सर बिल्कुल, मैंने अभी जैसे कि खेल हो रहा था उसमें मीणा था, तो वो बहुत ही अच्छा कलाकार मुझे लगा कि आने वाले समय में और भी वो ज़्यादा बेहतरीन कलाकारी जो कि प्रदर्शन करेगा गबरी के अंदर। इस समाज को गहराई से समझने का आपको मौका मिलता है इसी माध्यम से? बिल्कुल सर, समाज को और धर्म को भी बड़ी गहराई से समझने का जो है वो सुअवसर प्राप्त होता है हम सभी को। धन्यवाद। तो देख पा रहे किस प्रकार से अब शेर जो है इसमें निकाला गया है, जो आखिरी प्रसंग जो है इस गबरी का है, और
तो गौरी का ये आखिरी नृत्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ तो शायद अंतिम पड़ाव पे हम हैं। हाँ, सबको भावुक कर दिया। आखिर क्या ये लास्ट में बंजारे के बाद शेर का खेल आता है, शेर नार्क, इसके बाद गौरी खत्म हो जाती है। पांच पांच फिक्स टाइम रहता है इसका। भावुक कर दिया। हाँ, भावुक कर दिया, सही है। माता जी का, हाँ हाँ ठीक, माता जी का खेल है शेर। तो देखिए, आप खेलों के कई किरदार होते हैं। खेल कभी हंसाता है तो कभी भावुकता पैदा कर देता है। खेल का अपना एक अलग ही मनोरंजन है। तो देखिए किस प्रकार से बुजुर्ग लोग भी अपने नियम युवाओं को सिखाते हैं कि आगे किस समय जो है खेल खेलना है, किस समय किस खेल का उपयोग करना है, ये सारी चीज़ें बड़ी बारीकी से बताते हैं। सभी भावुक हो गए, सबकी दृष्टि एक तरफ है। बंजारे का और मीणा का सीधा मुकाबला हुआ और अब जो है शेर का मुकाबला हो रहा है। ये नृत्य है, खेल खेल के माध्यम से शायद अब अंतिम पड़ाव है। देखते हैं क्या कुछ होता है इसमें। गौरी अब समाप्त हुई है, शेर का भी अपना किरदार रहता है। यह जीव जंतुओं के प्रति भी एक सहानुभूति और एक सकारात्मक संदेश जो है वो दिया गया है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर गौरी आज का जो है संपन्न हुआ है। गौरी बहुत कुछ कहना चाहती है, गौरी इस पर्यावरण पे, गौरी जानवरों के प्रति, जीव के प्रति, बरसात के प्रति। और गौरी देखिए जैसी ख़त्म हुई और सारी भीड़ धीरे धीरे 5 मिनट के अंदर पूरी खाली हो जाएगी, सारे लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। सब दर्शक बने हुए थे अभी और ये गौरी इतनी है कि अच्छी थी कि दर्शकों का ध्यान आकर्षित नहीं करने दिया और मजबूत पकड़ बनाए रखी गौरी ने। सब मदमस्त हो गए यहाँ पर, आप देखें पूरा दृश्य आप सामने है। अब सभी लगातार जो है खेल और नृत्य और अब लास्ट जो है नृत्य करने के बाद, पैरावनी करने के बाद ये गौरी संपन्न हो। गौरी का ये मेन कंट्रोलर इनसे बात हो, ये मेन ये सब संभाल रहे हैं। साल बाद बड़गांव की गौरी वापस 2024 में ली गई है और भील समाज और पूर्व बड़गांव ग्रामवासियों ने मिलकर इस गौरी का आयोजन किया गया है जो विधिवत चल रहा है और अंतिम दिनों की ओर अग्रसित है। आज गांव की जो मूल बैंक हुए हैं उनके द्वारा गौरी नृत्य खेड़ा माता चौक में किया गया है
हर्षोल्लास से बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी होकर इसका आयोजन है और सभी इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके अपने अपने विसर्जन होगा और इतना अच्छा खेल हुआ उसके लिए सभी पात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी का जो इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ है गांव में, सभी को बूढ़े बच्चे सभी को देखने को मिला और इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी का जो 5-6 सालों से ये कार्यक्रम वापस हुआ है और हमारी ये संस्कृति और धरोहर है जिसने अभी भी जीवित रख रखी है और हम यही चाहते हैं कि ये रेगुलर गौरी का आयोजन होता रहे और लोग समझते रहे, बाकी नई पीढ़ी के लोग इस बारे में कुछ नहीं समझते हैं और ये जीवित रखना बहुत ज़रूरी है और सब जने समय निकाल के इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हुई है इसका मतलब ये है कि इनके प्रति लगाव है और एक धार्मिक कार्यक्रम में प्रयोजन है, ये सबसे बढ़िया है। सकारात्मक पहलू इस प्रकार से है कि सभी धर्म मतलब सभी समाज के लोग आके यहाँ पे गौरी नृत्य देखते हैं और मतलब सब जुड़ते हैं और सबकी आस्था बढ़ती है धर्म के प्रति और ये मतलब हाँ शिव पार्वती का बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है और इस प्रकार से सब इससे जुड़ते रहते हैं और ये सभी समाजों को जोड़ के रखता है और प्रकृति और उसके लिए ये सबके लिए बहुत अच्छा वातावरण बनाता है और ये इसमें अभी 3 पीढ़ी के लोग साथ खेल रहे हैं। इसमें अभी लगभग 200 से 250 कलाकार युवा हैं और वो नई गौरी का नृत्य तैयार हो रहा है और इस प्रकार से ये जीवंत रहेगा, नए कलाकार अच्छे तैयार हो रहे हैं। पूरे गांव और पूरे भील समाज की ओर से क्या और गौरी का अभी जो समावत हो गया है पूरा दिन मतलब गौरी का मतलब कार्यक्रम चला और सब खेल निकाले मतलब क्या कि मतलब फरुशरू जर में गजाजा जी निकालते हैं, उसके बाद वो भमरिया भमर लेने वाला निकालते हैं, उसके बाद कालू गिर निकालते जो वो मच्छी पकड़ने वाला खेल है क्या, उसके बाद जो बादशाह की फौज जो दिल्ली में चढ़े करते हैं कि मतलब लड़ाई करने के आते हैं क्या, और उसके बाद क्या मंसासुर को मतलब निकालते हैं वो भी उसका प्रोग्राम करते हैं, ऐसे करते करते मतलब बंजारा का खेल ख़त्म हो गया, उसके बाद जो एक नार खुला नार आता है उसको मतलब लाएँ और सभी गाँव वाले और सभी गमेती समाज की ओर से आप सबको धन्यवाद। जय भारत जय हिंद। ठीक है सर, मैं क्या बड़गांव पंचायत समिति से हूँ और भील समाज से मतलब धन्यवाद देता हूँ, हमारा जो भी है हम सहयोग करेंगे। हंगले धन्यवाद पूरी समाज रहो। आज माने गौरी नृत्य भी हो बड़गांव में जो हमारे समाज द्वारा होता है, जो ये सब गांव वाले और परिजनों सब आए हुए हैं मेहमानों और सबके लिए धन्यवाद है, सबको राम राम है। भील समाज री यह शोभा है और परंपरा है, यह ठेठ चलती रहेगा और चलेगा आगे से और यो अणि सहयोग में सब भाई लोग की पदार्थ आप सब पदार्थ रही जो धन्यवाद। ये गौरी बहुत अच्छी थी और इसमें अलग अलग प्रकार के कलाकार आए थे तो ये शेर पार्वती का खेल था इसमें जो बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक्स ऑल व्हील कम्युनिटी समाज। हाँ अब आज गौरी खेलिए बहुत बढ़िया मजो आयो आनंद आई गयो। हाँ अब माँ इतनी बहन को आए जैसा पैरा नहीं करांगा। हाँ साड़ी ड्रेसा और टावेल सब अलग अलग करांगा, लड्डू और डाल में पैसा रखांगा। हाँ और सब ने बढ़िया जिम्मा मांगा। गोरक्या माई की जय। गौरी नृत्य के बाद गोरक्या माता को जो है विधि विधान से उठा दिया जाता है, वापस जो है अगले स्थान पर ले जाया जाएगा। आप देखिए किस प्रकार से भोपा जी इस काम को जो है करते हैं, अलग अलग समितियां बनी हुई है, कौन क्या करेगा, कौन बैठेगा, कौन ढोल बजाएगा, कौन नृत्य करेगा, कौन मीणा बनेगा, कौन गोमा बनेगा, कौन गाडुलिया बनेगा, ये सारी रूपरेखाएँ पहले से जो है तैयार कर ली जाती है और इस गौरी नृत्य को बड़े ही ध्यान के देखे छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ बहुत कुछ जो है सिखाया जाता है। और देखें किस प्रकार तो आप देखें किस प्रकार से गौरक्या माता के दरबार में बिल्कुल से उठा लिया और बिल्कुल सामने देवरे के सामने ये पूरा प्रसंग संपन्न हुआ है और इसके बाद में अब ये
ये हमारा परिवार है और हम सब मिलजुल करके खेल रहे हैं और जो दर्शक गण आते हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। पूरे गांव के हिसाब से बराबर खेल रहे हैं हम सब। मैं जो बचपन में जो है ना 20 साल की एज से बाहर चला गया और अभी वापस आया 60 साल की एज में, मैं इस समाज से जुड़ा हुआ हूँ मैं और इनके साथ खेल रहा हूँ, कर रहा हूँ और प्रदर्शन कर रहा हूँ। 60 साल के बाद ही आया हूँ मैं जयपुर से। समाज के साथ खड़ा हुआ हूँ मैं और बराबर खेल रहे हैं। मैं कई पीड़ा जब हमारा सबरीमई जो पुराने इतिहास पुराण महाभारत से चलती आ रही है और रामायण से चलती आ रही है, उनका कई भव्य मंदिर कहीं यहाँ पर नहीं है हमारे साथ। हमारे कई भी नेता हैं, हमारे जात के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया अभी तक। और दूसरा है राणा पूंजा का भी मूर्ति है कहीं पर भी स्थापित नहीं की गई है इन नेताओं ने से। एकलव का भी नाम तो है रोशन महाभारत में, लेकिन उसका कोई अवशेष मामला अभी ज़्यादा प्रकाशित में नहीं लाया गया है। महापुरुषों की मूर्तियां नहीं बनेगी, इस समाज का विकास नहीं हो पाएगा और फेमस ने ये मिटती जाएगी, इसे परंपरा मिटती जाएगी इसे। हमारा गौरी नृत्य जो है वो सबरी की कथा पर आधारित है और सबरी माता का मंदिर आज भी मेवाड़ में नहीं है, जबकि सबरी तो जिन्होंने जो राम की परम भक्त थी और राम को उसने झूठे बेर खिलाए थे, है ना, तो भगवान की भक्ति तो कहीं पे भी सफल हो सकती है, मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए सबरी का मंदिर मेवाड़ में होना सबसे ज़रूरी है। एकलव्य के बारे में हमने किताबों में पढ़ा है, पर एकलव्य की सच्ची कथा हम गौरी के माध्यम से देख पाए हैं, सुन पाए हैं और मैं आगे भी लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि ये लोग जो है एक महीने तक बिना चप्पल के बिना हरी सब्जियाँ खाए हुए इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो आपको इनके साथ सहयोग करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। बिलू राणा जी के बारे में कितना कहेंगे जो मेवाड़ के लिए सबसे बड़े? बिलू राणा ठीक है भैया। तो मेवाड़ के इस अधूरे सपने को करते हैं पूरा और भील समुदाय आदिवासी समाज जिस प्रकार से इनका प्रतिनिधित्व हो रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने ये गौरी का मंचन किया है, मुझे लगता है कि मैडम की बात बहुत सार्थक है और ये तीनों सपने, चाहे सबरी माता की बात हो, चाहे राणा पूंजा की बात हो, चाहे एकलव की बात हो, तीन स्मारक तो हमारे यहाँ होनी चाहिए। धन्यवाद। बड़गांव में आज गौरी नृत्य का मंचन हुआ है और उसके बाद में आप देखें कि अब सभी बड़े भाव के साथ पूरे ग्रामवासी भोजन जो है बड़े भाव से करते दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल अपने परिवार की तरह, अपने इस गांव की तरफ से ये पूरा प्रसंग जो है सजाया गया है और देखें कितने उत्साह के साथ इस प्रसंग को जो है मनाया जाता है। बड़े भाव के साथ सबको भोजन परोसा जा रहा है और बताएँ कि पूरी है, लड्डू है, दाल है और अन्य अन्य यहाँ पर बनाए गए हैं और वो हाँ क्या खुशबू है, रोटी है, देखिए कितना। तो क्या क्या बनाया? ये बनाए हैं काजू कतली, दूध के लड्डू, पूड़ी, दाल, खिचड़ी, राबड़ी। हाँ काजू कतली है ना, ये दूध के लड्डू, सब्जी, ये आलू की सब्जी, ये दाल, ये पूड़ी गरमा। कैसा लगता है जब परिवार के अपने? बहुत बढ़िया लगता है एकदम ही। इनमें भी क्या मित्रता के भाव बढ़ेंगे? बनेंगे ना, बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल मित्रता के भाव बढ़ेंगे, आपसी प्रेम भाईचारा रहेगा, ये जरूरी है। हाँ जरूरी। तो ये हमारी आस्था और संस्कृति के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम इस प्रसंग को बड़े ही भाव के साथ और सभी के हमने इंटरव्यू लिए हैं, सभी से विचार जाने हैं, सभी का हमने यहाँ समन्वय किया है और देखिए किस प्रकार से यहाँ बुजुर्ग बड़े भाव से बैठकर इस नज़ारे का जो है आनंद ले रहे हैं और अपने परिवार को यहाँ जीनता हुआ देख रहे हैं। कैसा लग रहा है ये जीनते हुए आपका परिवार? शायद बहुत बढ़िया लग रहा है, गौरी खेल के थक गए हैं, अब खाना खा रहे हैं, लड्डू बाटी खिचड़ी दाल पूड़ी और ये अपने काजू कतली है, भोजन जिम रहे हैं, रबड़ी भी है और राम भी काम चल रहा है, इनके सहयोग से अपना भी काम चल रहा है और धूमधाम से विसर्जन हो रहा है, गौरी का अभी हुआ है और सब आराम से देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो देखिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा, देखो बाऊजी भी इसको देख रहे हैं। हाँ साहब क्या देख रहे हो? ये सभी जो है आज हमारे यहाँ
गौरी का प्रोग्राम था, सभी नौरे में सभी इकट्ठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं और आनंद के साथ सभी संपन्न हो रहे हैं। खाने कह रहे हैं कि जो खाओगे वो खिलाएंगे, पर नशा पता आप छोड़ दो। हाँ, इसी में अपना सबका भला है। ये दिन भर गुटके खाते रहते हैं, ये दिन हाँ। गुटके नहीं है, पीना घिनना सब लोगों को बंद कर देना चाहिए। खाना खाओ, जो खाओ जो खा सकते हो। ये गौरी जो है ये मेवाड़ की शान है। पूरा महाराणा प्रताप से लगाकर शंकर भगवान पार्वती के सारे प्रोग्राम ये गौरी वाले बड़े ऐतिहासिक ढंग से हमारे सबके बीच में रखते हैं। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए और हमारे धर्म को जिंदा रखने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। 1.25 महीने तक जो कठिन तपस्या ये लोग करते हैं, घर पे नहीं सोते हैं, जूते नहीं पहनते हैं, व्रत रखते हैं, हरी सब्जी वगैरह नहीं खाते हैं, जिसके यहाँ जिस तरह का भोजन मिल जाता है उसमें ये अपने आप को खुशी समझते हैं। अपने एक रोज़ जरा सी सब्जी में 19-20 अगर हो जाती है तो अपन कितने ऊंचे नीचे होते हैं, पर ये 1.25 महीने तक आप हम जो भी इनको जिस तरह भी खिलाते हैं बड़े प्रेम से खाते हैं और फिर भगवान के प्रोग्राम में 1.25 महीने तक ये कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। अब 4 दिन बाद 25 तारीख को गड़वन है और 26 तारीख को वड़ावन है। हजारों लोग इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब के गांव के लोग इस प्रोग्राम में शरीक होंगे और हम सब मिलकर के अच्छा सा अच्छा ये शिव पार्वती का गौरी का खेल है इसको संपन्न कराएंगे। हम आपसे भी निवेदन करते हैं आप भी इस कार्यक्रम में पधारें और लाभ लेवें। और जहाँ तक नशे की बात है आप बहुत अच्छा प्रोग्राम लेके चल रहे हैं। नशा नहीं होना चाहिए, नशे पैसे भी लगते हैं और शरीर भी नष्ट होता है। नशे से हमेशा हमको दूर रहना चाहिए। बोल भारत माता की जय, गोरख्या माता की जय, संत सब की जय। संस्कृति को नष्ट करने वाले कुछ लोग भ्रमण फैला रहे हैं, वो नीचे से ऊपर तक संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग घूम रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कुछ एरिया में जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो यहाँ तक भी कहते हैं हम तो अलग ही लोग हैं, हम हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अलग ही हमारा समाज है, हमारा प्रदेश भी अलग होना चाहिए। जबकि ये पूरा मेवाड़ और हिंदुस्तान इस छोटी कास्ट से ही जिंदा है। महाराणा प्रताप जो सेना में जो भूमिका थी भीलू राणा की, यही परिवार है जो गौरी खेल रहा है। ये गौरी अपने आप ने महाराणा प्रताप की ही समझ लीजिए आप। ये तबका अपने आप में सबसे स्वच्छ तबका है, मेहनती तबका है और आज्ञाकारी तबका है। इसका हम सबको ध्यान रखना है और गौरी हमेशा अच्छे से अच्छी तरह ये लोग खेले उसका हमें सहयोग करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरकिया भाई की जय। हम रहे न रहे लेकिन ये हम रहे या न रहे पर ये संस्कृति इनके द्वारा कंटिन्यूस जारी रहनी चाहिए। भगवान से गोरख्या माता से यही आशा रखते हैं और यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। किसी की नज़र नहीं लगे गौरी लेने में हमारे गांव का तो ऐसा से सबका सहयोग रहा ही और विशेषकर मेरे पे भी गौरी वालों को भी कृपा रही है, गांव वालों को भी कृपा रही है और कोशिश करके हमने इस फंक्शन को बड़े धूमधाम के हिसाब से तन मन और धन से संपन्न कराया है। उसके लिए भी सबको पूरे गांव वाले को और गमेती समाज को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। कई वर्षों से ये परिपाटी चली आ रही है गौरी की और मेवाड़ की बहुत ही फेमस गौरी है और ये कल्चर कई वर्षों से चला आ रहा है और कई वर्षों तक चलता रहेगा इसी तरीके से। और जो जोश और खरोश आप देख रहे हैं, अब पहले जो गौरी थी वो पुराने परिवार थे, अब इस साल सभी नए लोग आए हैं। जो पुराने लोग जो गौरी उनको देखते हुए आज जो बड़गांव की संख्या है वो 350-400 के करीब ये आदिवासी भाई यहाँ गौरी में भाग ले रहे हैं। और ये जो कल्चर है ये देश विदेश में प्रचारित हो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके प्रयासरत है। मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये जो गौरी है देश विदेश में भी ख्याति प्राप्त करेगी और ये कल्चर है, सरकार को भी चाहिए कि इसको बढ़ावा देवे। जिस तरीके से जो भी कल्चर है राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो कल्चर के बारे में सजग देती है, तो मेरा सरकार तक ये संदेश पहुँचे कि जो मेवाड़ की गौरी है उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ख्याति प्राप्त हो और ऐसा हम कामना करते हैं और सरकार से अपेक्षा रखते हैं। तो देखिए बड़े उत्साह के साथ सभी यहाँ सभी सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे ये पूरे
जनजाति भील समुदाय के परिवार के साथ ये देखिए भोजन का अवसर मिला है और सभी हाथों से भोजन कराते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरे परिवार की तरह आपसी समन्वय की तरह कि किस प्रकार से ये देखिए आहा आनंद का माहौल है गांव में, पूरा भक्तिमय हो गया पूरा बड़गांव और सवा महीना आनंद आ गया है, सब तरफ प्रेम हो गया सब और आनंद लूट रहे हैं लोग। सवाल ये है कि नफरत का जेर बोलने वाले लोग हमारी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी ताकते हैं। हाँ, अगर हमने अगर ध्यान नहीं रखा तो ये दृश्य हमें सिर्फ किताबों में देखने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये माहौल तो आपको, ये तो सदियों से चल रहा है, सदियों तक चलेगा, इसमें इस माहौल में कभी कोई वो नहीं होती है, ये माहौल भक्तिमय रहता हमेशा ही, इसमें कोई न तो राजनीति होती है न कोई वो होती है, इसमें हमेशा ही इनकी पूर्ण श्रद्धा से ये मतलब सवा महीना ये पूर्ण बिल्कुल विश्वास के साथ माता जी की पूजा करते हैं ये। आप एक सरपंच के जिम्मेदार हैं लेकिन आज के सैकड़ों साल बाद क्या पता पार्षद होंगे, महानगर होंगे, क्या कामना करते हैं कि ये जीवित रहे? नहीं, ये संस्कृति जीवित रहेगी हमेशा हमेशा, ट्राइबल में तो हमेशा रहेगी, सिटी में भी देख लो ये माहौल है तो ट्राइबल में तो ज़्यादा है, इसलिए इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक, जागरूक हम तो बराबर इनको समय समय में जागरूक करते रहते हैं और इसमें क्या है कि आदमी जो भी ये जो आप ये बोल रहे हैं नशा वाला, ये स्वेच्छा से ही छोड़ सकते हैं, हम जागरूकता हमेशा ही जागरूक करते रहते हैं मगर जब तक ये चीज़ें खुद मन में खुद नहीं ठान ले तब तक ये असंभव है। हम तो ये चाहते हैं कि सवा महीने जैसे ये कोई भी नशा नहीं करते हैं, तो हम ये अपील करेंगे ग्रामवासी की इस चीज़ को ये अपने जीवन में उतारे, नशा छोड़े, कोई भी किसी भी तरह का नशा और नहीं करे, तो इससे संस्कृति भी जीवित रहेगी और आगे भी धार्मिक प्रोग्राम होते रहें। कोई भी नशा नहीं करेंगे तो ये शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, शारीरिक रूप से फिट रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे तो आगे बढ़ेगा, इसलिए हमेशा क्योंकि सुखी रहना स्वस्थ रहना ये सब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्वास्थ्य की भी चिंता करनी है हमें और देश की भी चिंता करनी है। तो बड़े अच्छे भाव के साथ देखिए सभी भोजन करते हुए सभी दिखाई दे रहे हैं, बड़े भाव से परोसते हुए देखिए, आ हा हा क्या बात है, मुंह में पानी आ जाता है, मैं बाद में करूँगा। तो आप देखिए किस प्रकार से ये पूरा प्रसंग संपन्न हुआ है और ये धन्यवाद देंगे ओदिच्य समाज के इस बड़गांव के इस भवन को, जो कि कितनी बड़ी सोच है आपकी कि आपने इतना सुंदर भवन बनाया। हर समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ समाज की बहुमत है कम से कम कोई काम तो करके दिखाओ, कुछ तो करो जिससे हम ये कह सकें कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम एक समर्पण भाव वाले व्यक्ति हैं। आज हर समाज को वक्त आ गया है कि संसाधन की जरूरत पड़ेगी, क्या सोचते हैं आप? अगर हिंदू ने हिंदू का नहीं सोचा तो आने वाले कुछ नहीं, बिल्कुल साफ हो जाएंगे, इसलिए जरूरी है हिंदुत्व कर दे। ये भवन भवन ही नहीं, ये संस्कृति है, संस्कृति हमारी बड़ी मुश्किल से बनाया, हिंदू समाज क्या है, हिंदू को आगे बढ़ाना है। आज तो भोजन करा रहे हैं, गौरी नृत्य चल रहा है हमारे यहाँ, गौरी सवा महीने की गौरी जल रही है, उनको भोजन प्रसाद करके सबको खुश रख रहे हैं। तो ये तो हमारे भाई, हाँ ये हमारे देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे देखो, आ हा हा देखो बिंदिया लगा के आए हैं कोई, यहाँ छोटे छोटे बाल गोपाल, छोटी बहनें सब यहाँ मौजूद है और सभी भाव के साथ आगे ऊपर ले लेना, सब बैठे हैं एक साथ। हाँ वही तो, आप देखिए किस प्रकार से पूरा प्रसंग जो है वो संपन्न हो रहा है और बड़े भाव के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए गए हैं और पैरावणी के बाद जो है अब कार्यक्रम संपन्न होगा। सभी बहन बेटी अपने पितरों को पैरावणी कराती है, जय हो। तो सभी भोपा जी को यहाँ पैरावणी होती है, अपने अपने परिवार के पैरावणी जो है वो होती है। तो बड़े भाव के साथ पैरावणी होगी और उसके बाद गौरी का समापन होगा।